एट्थ क्लास, कल मैंने आपको एपी सीरीज़ क्या होती है, ठीक है, वो भेजा था आपको वीडियो, और हम इसकी प्रश्नावली 5.1 करेंगे आज। हम प्रश्नावली 5.1 शुरू करने जा रही हूँ मैं। देखो इसमें करना क्या है, पहला क्वेश्चन देखो। इसमें एपी सीरीज़ तो आपको पता है इस तरह से होती है, जनरल रूप इसका होता है, जनरल फॉर्म। ए प्लस डी, ए प्लस 3D, 2D, ए प्लस 3D, ये जनरल रूप है इसका, व्यापक समीकरण। ऐसे ऐसे करते करते ये आपस में बढ़ती जाती है इस तरह से। ये जो प्रत्येक अंक संख्या है इसको पद कहते हैं, ठीक है। यानी जैसे हम क्या कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप इसमें देखो, 1 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, 2 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो 3। तो ये डी क्या होता है, इनके बीच को डी को हम क्या बोलते हैं, सार्वन्तर। डी को हम बोलते हैं सार्वन्तर, सभी के बीच में जोड़ने पर डी आ रहा है, ठीक है, ये सार्वन्तर कहलाया जाता है। तो ये हमारी समांतर श्रेणी कहलाई जाती है। जैसे हमने ले लिया 3, 5, 7, 9, 11। अब आप इसमें देखो, 5 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2, या 3 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 5, 5 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 7, 7 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 9, 9 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 11। तो सबके बीच में एक संख्या है कॉमन, जिसे हम कहते हैं सार्वन्तर डी। ये सब में जोड़ के इस तरह की जो सीरीज बनती है, सीढ़ी बनती है, इसे हम समांतर सीढ़ी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, पहला क्वेश्चन। इसके आगे के क्वेश्चन आप अपने आप से करोगे, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद, अभी आपको ये बताना है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में समृद्ध संख्याओं की सूची। एपी है, एपी क्या होता है, समांतर सीढ़ी या अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव बोलते हैं इसे हम, और क्यू है, ठीक है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, इसकी श्रेणी बनानी है हमें, ठीक है, सूची बनानी है इसकी। जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपये, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपये। तो हम क्या मान लेते हैं, पहला 1 किलोमीटर निकालने के लिए हम क्या लेते हैं, कितना है, 15। ये हमारी पहली संख्या है, प्रथम पद बोलते हैं हम इसे ए, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है, यानी अगर हमें 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15। अगर हम 2 किमी यानी प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर चलते हैं तो उसके लिए टैक्सी का किराया कितना हो जाएगा, 15 प्लस 8, कितना हो गया ये, 23। फिर 3 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा, 23 में फिर जोड़ो 8, 23 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 31। अब इसके बाद देखो 4 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा, 31 प्लस 8, 39। तो देखो हमारी एपी सीरीज कैसी बन रही है, पहला पद कितना है, 15, दूसरा 23, तीसरा 31, चौथा 39। 39 में 8 जोड़ो, बढ़ती जाएगी। तो ये हमारी जो श्रेणी बन के आ रही है, क्योंकि सार्वन्तर सब में कॉमन है, 8 8 जोड़ने पर आ रहा है सार्वन्तर, यानी डी कितना आ रहा है हमारा, 8। तो ये क्या हो जाएगी, अतः सूची क्या है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया कैसा है,
टैक्सी का किराया हमारा एपी में है। ऐसे करके करने हैं ये क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप करने की कोशिश करो, और नहीं आएगा तो फिर मैं कल और करा दूँगी, ठीक है? इसे करने की कोशिश करो।